बहुत जबरदस्त आग लग गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। सब सेफ दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाओ, सबसे मिलो जुलो और सेलिब्रेट करो आज के दिन के फेस्टिवल को। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, तो आज एंजॉय करो फेस्टिवल। मॉर्निंग हो गई, मैं भी रेडी हो गया, अभी निकलूँगा सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके ऑफिस, क्योंकि आज है संडे वैसे तो, लेकिन फेस्टिवल है तो सब बराबर है। तो ऑफिस निकलूँगा ब्रेकफास्ट करके, वहाँ पे ऑफिस की आज पूजा वगैरह होएगी और एम्प्लॉयज़ वगैरह को गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने, वो सब करने हैं। और देखता हूँ, एक दो पार्टी पे कल रह गया था, वो भी होके आऊँगा। पहले पहुँचता हूँ ऑफिस, क्या सिचुएशन है, पहले पूजा करूँगा, पहले क्लाइंट पे होके आऊँगा, वो जैसा होगा देखूँगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और पूजा वगैरह करेंगे ऑफिस की। उसके बाद वापस घर पे, घर पे आने के बाद फ्रेंड्स वगैरह को, जो आसपास फ्रेंड्स हैं उनके पास जाना है बस। उसके बाद इवनिंग में पूजा और सेलिब्रेशन, फिर नाइट में मेरे यहाँ नाइट में 12 बजे पूजा होती है, बड़ी पूजा जो होती है वो भी पूजा होगी। तो आज सोने में आज दोबारा से लेट होगा, तो जैसा भी होगा देखेंगे और दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। आप भी सेलिब्रेट करो, मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ, सबके साथ मिल के रहो। चलो चलते हैं, फिर बात करते हैं। भाई आओ, मैं निकला हूँ जरा, एक्चुअली मैं किसी क्लाइंट के पास जाना था, कल जा नहीं पाया था मैं, तो इसलिए अभी निकला हूँ। और अभी निकलते कह रहे थे, घर से बाहर निकला था और बाहर देखा तो मार्केट में आग लग गई थी। ओजरी मार्केट है वहाँ पर मेरे घर के पास, पूरी आग लग गई, बहुत तगड़ी आग लगी हुई है। पता नहीं कितनी देर में कंट्रोल होगा, कि सारे ना वो भी काम है, जुराब वगैरह ये सब काम है, और इन सब में आग लग जाए तो जल्दी से बुझती नहीं है, बढ़ती है, चीज़ें सारी ऐसी जो आग पकड़ लेती जल्दी से। पता नहीं कितना नुकसान हो गया होगा, दिवाली वाले दिन इसका भी हुआ, काम तो बहुत ज़्यादा हो ही गया। दिवाली के टाइम ऐसा हो जाए तो सारा फेस्टिवल खराब हो जाए, सारा मूड खराब हो जाता है, नुकसान तो नुकसान ही है। अब पता नहीं कितनी देर में कंट्रोल पाया जाएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट अभी तक गाड़ी भी नहीं आई है, अभी अभी लगी है आग और अभी गाड़ी भी नहीं आई थी अभी तक, आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी नहीं आई थी। तो देखते हैं कितनी देर में कंट्रोल होगा, मेरे को जरा ज़रूरी जाना है तो मैं उतना जल्दी से होके आता हूँ, फिर देखते हैं कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ है। रेड लाइट है, ग्रीन होने वाली है, ब्लॉग में मैंने डाली दूंगा, अभी देख लेना आप वीडियो, वीडियो मैंने शूट करी। भैया आग लग गई ओजरी मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है दिवाली वाले दिन। कैसे आग लगी है, कितनी ज़्यादा आग है, हो जा भाई ग्रीन, चलो जी ग्रीन हो गई है, चलते हैं। आज अभी भी थोड़ा ट्रैफिक तो रहेगा ही, क्योंकि लोग शॉप वगैरह तो ऑफिस में पूजा वगैरह करते हैं, आज कोई पूजा करने जा रहा है, कोई पूजा करके वापस आ रहा है, तो थोड़ा रश हो जाता है। और अभी मैंने ऑफिस की पूजा करी नहीं है, मैंने बताया था मैं शेड्यूल बनाऊंगा, तो अभी ऑफिस की पूजा भी करूँगा, उसके बाद पहले यहाँ निकला हूँ मैं, उसके बाद पूजा करेंगे। बाइक की सील लीक हो गई है, शॉकर की सील होती है ना, ये राइट हैंड वाली, राइट हैंड साइड वाली सील लीक हो गई है, उसका भी सारा ऑयल बाहर निकल रहा है, अब उसको मैं देखकर ठीक कराऊंगा। अब तो बाद में ठीक होगी, अभी तो टाइम है नहीं, अब 3-4 दिन बाद फिर ठीक कराऊंगा इसको। अब तक जो निकल गया उतना निकल गया, ऑयल सील दोबारा डलने ही डलना है, वेट करो जी फिर लेट है। चलो जी निकल गया, ट्रेन हो गई थी। और कल है मंडे, एक्चुअली में क्या होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे पूजा होती है, फैक्ट्री के मशीनरी के औजारों की सबकी पूजा होती है नेक्स्ट डे। बट इसी रीज़न से ना अमावस आज होनी चाहिए, कल है अमावस, मंडे को है, तो दिवाली मोस्टली अमावस की होती थी, तो इस वजह से जो मंडे है, मंडे के दिन इस बार ना गोवर्धन पूजा है ना विश्वकर्मा डे पूजा, वो दोनों चीज़ें शिफ्ट हो गई नेक्स्ट डे पे, तो वो ट्यूजडे को है। तो कल जो मंडे वाला दिन है वो खाली है, ना कोई पूजा है कल ना कुछ है, तो कल का दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाली है दिवाली का अगले दिन, तो कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है, जैसे कोई ना कोई क्या गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे पूजा ही होती है। और अन्नकूट भी बनता है, अन्नकूट बनता है मंदिर में, बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है, बहुत बढ़िया बनता है,
वो भी अब परसों होगा, कल ही होगा। तो चलो भाई अब कल कल खा लिया। तो कल का एक्चुअली में शेड्यूल क्या है, मैं सोच रहा हूँ ट्रिप पर निकलने का कल मंडे, एक दिन की ट्रिप पे। फिर कल संडे, कल छुट्टी है, मतलब मान लो काम वाम कुछ होना नहीं है ना, कहीं आना जाना है। तो मंडे को मैं सोचता हूँ मॉर्निंग में ट्रिप पर निकल जाऊँ और नाइट तक वापस आ जाऊँ। अभी कोशिश है, बाकी देखते क्या प्लान फाइनल होता है। फ्रेंड से बात कर रखी है, आज फाइनल कर देंगे। जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा इसी ब्लॉग में एंड तक, नहीं गया तो वो भी बता दूंगा जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, दोनों चीज़ें बता दूंगा मैं। और इसके अलावा तो कल का अभी तो कुछ प्लान है नहीं, नहीं गया तो फिर तो घर पे हूँ और देखते हैं क्या पता कुछ काम आ जाए तो वो तो कल का कल ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल जो मुझे था वो मैंने आपको बता दिया। लाइट प्लान वाले चालू हो गए, तो दोनों चालू हो गए, बढ़िया हो गया। मैं इधर से निकला तो इधर पानी ना भरा हुआ, अभी इधर की साइड पानी दिख रहा था मुझे, तो बस कपड़े गंदे होते सारा कीचड़ उछलता, मैंने फिर स्लो कर लिया। पानी नहीं उछलना चाहिए, कपड़े यार नए पहने हुए हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे यार। दिवाली का दिन वैसे ही है, चीज़ें बन के थक रहे हैं, मज़ा कर रहा हूँ। कपड़े तो गंदे नहीं होने चाहिए, चाहे नए हो जाए पुराने, कौन है ये पीछे भगा था बाहर, तो निकालो पहले आगे। चलो भाई मैं पहुँचता हूँ, फिर बात करता हूँ। भाई जिस काम से गया था वहाँ से वापसी आ गया हूँ, थोड़ा आगे आ गया था एक्चुअली में, तो ये कोई साथ आया था हमको ड्रॉप किया, फिर से थोड़ा सा लेट हो गया, लोग लेट स्टार्ट किया। मतलब मौसम देखो फिलहाल तो ठीक है, अब कल देखते क्या चाहता है, क्योंकि आज दिवाली मनाएंगे लोग, तो हम पटाखा वगैरह जलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या माहौल रहेगा, ठीक रहता है या थोड़ा सा मुझे दिक्कत। एक बंदूक ले थी बच्चों के लिए, अच्छा क्या होता है बंदूक के अंदर डालो पहले, क्या उड़ रहा है पता चला निकल के गिर गई, पहुँच गई बंदूक। तो मैं चलो ठीक है, ये बढ़िया बच्चों के लिए चिंगारी वगैरह का भी डर नहीं है और खेल भी लेंगे, तो मुझे समझ आ गई थी तो मैं ले ली है। और अब देखता हूँ जो आग लगी तो बुझ गई या नहीं बुझी है, आप तो ज़्यादा थी अपनी नायलॉन की है सारी फैक्ट्री वहाँ पर, नायलॉन की जो होजरी मार्केट है, जुराब की जुराब सारी नायलॉन से बनती है, मोस्टली इलास्टिक तो नायलॉन का होता ही होता है, या कोई भी जुराब कॉटन हो कुछ भी हो। और देखते हैं मुझे है क्या कंट्रोल हुआ है, कैसा रहा है, नुकसान तो वही होगा जिसका भी हुआ है। अब ये है पूरे फ्लावर की मार्केट, फूलों की मार्केट, यहाँ फूल नहीं। जाम लग गया भाई यहाँ तो, ये गड़बड़ कर देते हैं लोग, टैलेट में क्रॉस करके जाम लगवा दिया, कोई बंदा बीच में क्रॉस करिए उसकी वजह से जाम हुआ है, पक्की बात है, वो जाम में तगड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं निकल पाऊँगा नहीं निकल पाऊँगा, अटक गए हैं सब, और ये बढ़िया आएगा अगर नहीं निकला तो मैं कुछ जुगाड़ करके मैं तो निकलता हूँ भाई। और लिफ्ट लाइट जल गई है, चलो यहाँ से निकल जाता हूँ, जगह तो बन गई है थोड़ी सी बाइक वगैरह के लिए। चलो भाई मैं तो निकल गया, जाम पूरा है भाई, अरे जाम बढ़िया आएगा, टाइम निकल गया। और अब जल्दी से जाऊँगा ऑफिस में, पूजा करनी है, वेट कर रहे हैं सब, मेरा फोन भी आ चुका है, तो जल्दी से पूजा करेंगे, स्टाफ वगैरह की छुट्टी होगी, फिर करेंगे वापस घर, फिर देखता हूँ फ्रेंड वगैरह कैसे कैसे जाना है क्या करना है, जल्दी से करने का इवनिंग में फ्री रखूँगा, इवनिंग में कहीं नहीं जाना, इवनिंग में घर पर पूजा वगैरह करनी है, फैमिली साथ ही आने के बाद देख रहा धुआं हो गई, दो दिन बाद जितना आप लगे ना उसकी वजह से धुआं हो गया। धुआँ देखो अब तो कंट्रोल तो हो गया है, वैसे धुआं बहुत निकल रहा था यहाँ पर, अरे काला काला उसी का धुआँ है, नायलॉन का स्मेल भी आ रही है, नायलॉन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी जो हैं, कंट्रोल तो हो गया है, ये देखो नई गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड वालों के पास। अब देखो वहाँ से एंट्री तो मुश्किल होगी, मेरे को लगता नहीं एंट्री करने देंगे,
एंट्री के लिए सिस्टम पर जाना पड़ेगा और देख तो सकते नहीं है ना, इतना टाइम है कि मैं पूजा करनी जाके। अब यहाँ से पहले यूटर्न ले लेता हूँ मैं। चलो भैया यूटर्न तो ले लिया, देखता हूँ क्या कंट्रोल हुआ है आग पे। हाँ तो यार जिसके भी आग लगे उसकी टाइम दिवाली खराब हो गई। नुकसान तो है ही यार, नुकसान तो होता ही है, आग लगेगी तो नुकसान नहीं होगा ऐसी बात तो नहीं है। पूरा यहाँ पे जल गया था, यहाँ बैक साइड में मार्केट है, शॉप है, मतलब वहाँ जगह इधर ही पीछे ये खड़ी है फायर की गाड़ी है, धुआं तो अभी तक आ रहा है। ये खड़ी है गाड़ियाँ, पुलिस वगैरह सब आई हैं अभी भी कर रहे हैं, लगता है अंदर आग नहीं बुझी, अंदर की आग रह रही है। तो चलो भाई अब चलता हूँ, मैं पहुँचता हूँ यहाँ आग लगी थी, देख लो ये पूरे में धुआं धुआं आ रहा है ना, यहाँ पे आग लगी देखो, अभी तक धुआं आ रहा है, अभी तक कंट्रोल हुआ नहीं है मेरे को लग रहा है भाई साहब। चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ आई हैं और अभी भी कंट्रोल कर रही हैं आग को, बहुत तगड़ी आग है। चलो पहुँचता हूँ मैं घर से, बात करते हैं भाई। अभी टेरेस पे आया था और दीप वगैरह जला दी हैं, इवनिंग की पूजा हो गई है जो 7-8 बजे होती है, 8 बजे के आसपास पूजा करी है और अभी दीप वगैरह जलाए, आप देख सकते हो पीछे दिख रहा होगा टेरेस पे, और नीचे भी लगाए दिए। और अभी मेन जो पूजा होती है वो होती है रात को, वो पूजा भी आपको दिखाऊंगा कैसी होती है, रात को होगी फिर 12 बजे के आसपास पूजा होती है, 11:30-12 बजे पूजा स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। तो मेन पूजा वो होती है, बड़ी पूजा होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसी होती है। तो पीछे आपको दिखेंगे पटाखे वगैरह बज रहे हैं पीछे देख रहे हो, और ये हनुमान जी का झंडा, बिगेस्ट झंडा दिखाओ आपको, झंडा है बड़ा फ्लैग है ये। और पीछे सारा चल ही रहा, आपको लाइट वगैरह दिखाता, लाइटिंग कैसे कर रखी है पीछे आपको दिखाई होगा, आप देखो पूरे देखो अभी देखिए भाई। ये देखो ये शॉर्ट था, लंबा शॉर्ट था, देख के आपको लाइट दिखाता हूँ अपने घर की। भाई ये लाइटिंग लगी हुई है पूरी नीचे से लेके ऊपर तक, और ये पूरे गलियों में देखो मेरे क्या डेकोरेशन हुई है दीवार पे, सारी डेकोरेशन हुई है गली में, बहुत बढ़िया डेकोरेशन होती है, सब करते डेकोरेशन बढ़िया लगता है घर, नीचे से भी दिखाऊंगा आपको। भैया ये घर में रंगोली भी बनी है, मोर की रंगोली है, ये रंगोली बनी है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये सब चीज़ें हैं फेस्टिवल का, ये सब पार्ट है, ये सब चीज़ें करते हैं लोग फेस्टिवल पे, दिवाली के फेस्टिवल पे। तो ये फैमिली छत पे पटाखे जलाने, अब देखते हैं पटाखे जला और देखते कैसे रहता है, देखते क्या रहता है इसका। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। भाई एक बार दोबारा रेडी हो गया हूँ मैं, ये अगले दिन की लुक नहीं है, उस दिन की लुक है नाइट में, क्योंकि मैंने बताया रात को हमारे यहाँ 12 बजे पूजा होती है, और फायर क्रैकर वगैरह जलाकर और अब नीचे आ गए, चाय वगैरह पिए, चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, फेस वॉश वॉश करके, और अब दोबारा है लुक थोड़ी सी चेंज कर ली, शर्ट चेंज कर लिया मैंने, पैंट तो वही शर्ट चेंज कर लिया, कैसे लग रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुक में शर्ट थी, मैंने सोचा चलो ये पहन लेते हैं, कुर्ता पजामा नहीं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पहन लिया जाए। तो ये मैंने, अब चलता हूँ नीचे, पूजा करते हैं, पूजा स्टार्ट होगी अब, और आपको दिखाता हूँ क्या क्या पूजा है, कैसे पूजा होगी, उसके बाद फिर सोएंगे, रात का टाइम हो गया भाई। ये लाइटिंग की डेकोरेशन जो मैंने लाइट वगैरह लगाई थी कैसे लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। तो चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं आज, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के नई बातों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।
भाइयों ये घर की डेकोरेशन थी थोड़ी सी जो मैंने करी थी, मतलब लाइटिंग वगैरह वो आपको दिखाना चाह रहा था मैं। एक आधी लाइट ना अभी ठीक से प्रॉपर जल नहीं रही, प्लग हिल गया है। तो कैसी लगी आपको ये प्रॉपर डेकोरेशन है?